सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मेरा नाम है हार्दिक, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक विद हार्दिक में। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी एप्लीकेशन या फिर गेम को आप अपने फोन में बहुत आसानी से हाइड कर सकते हैं। बट गाइस सभी फोन में ऐसा सेटिंग हमें देखने को नहीं मिलता जिससे हम किसी भी एप्लीकेशन या फिर गेम को हम अपने फोन में हाइड कर सके। सो फ्रेंड, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच जरूर करिएगा जिससे आपको भी सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए एंड आप इस ट्रिक को आप अपने फोन में बहुत आसानी से अप्लाई कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐप का जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, तो आपके सामने यह ऐप आ जाएगा। एंड गाइस, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कितना सिक्योर एंड कितना बेस्ट एप्लीकेशन है। सो फ्रेंड, आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस, जब तक यहाँ पे यह डाउनलोड हो रहा था, मैं यहाँ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे इस चैनल में नए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। एंड गाइस, थैंक यू सो मच जो आप मेरे इस चैनल और आप मेरे वीडियोस को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, यहाँ पे यह डाउनलोड हो रहा है एंड डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको इन सभी परमिशन को अलाउ कर देना, तभी आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। जिसके बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हैं। जिसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आपको अपना कोई भी एक फेवरेट ऐप को सिलेक्ट कर लेना, तो मैं भी यहाँ पे किसी ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपका सब कुछ सेटअप कम्प्लीट हो चुका है, तो आपको सिंपली इसे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइस, आपको जिस भी एप्लीकेशन या फिर गेम को हाइड करना है, उसके लिए आपको सिंपली इस माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर पे क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, बट आपको एप्स को हाइड करने के लिए आपको सिंपली इस होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में आ जाना है। एंड इसके बाद आपको इस हिडन एप्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ से आप जिस भी एप्लीकेशन या फिर गेम्स को हाइड करना चाहते हैं, उसे आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे फ्री फायर एंड व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस, आपको भी इसी स्टेप को फॉलो करना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड, यहाँ पे ये सभी एप्लीकेशन कम्प्लीटली हाइड हो चुका है, तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फोन से यहाँ पे फ्री फायर एंड व्हाट्सएप मेरे फोन से कम्प्लीटली हाइड हो चुका है। एंड गाइस, यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि आपको इन हिडन एप्लीकेशन को ओपन कैसे करना है। सो फ्रेंड, इसके लिए आपको सिंपली थ्री डॉट वाले ऑप्शन में आ जाना है। एंड आने के बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पे हिडन ऐप करके ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इसे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से गाइस आप बहुत आसानी से उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना है। एंड हाँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं। सो फ्रेंड, बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। सो होप यू फ्रेंड, आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। एंड गाइस, यदि आप मेरे चैनल में नए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।